कराएंगे, उनके लड़के रोड पे नहीं आएंगे। कोचिंगों में दबा दीजिए, कोचिंगों का ताला बंद कराए, उनके लड़के बाहर निकल के रोड पे आए, तब जाकर कुछ ना कुछ जवाब जरूर होगा। कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ होगी, तब जाकर सरकार की काम होगी। नहीं लोकसभा चुनाव हो जाएगा तो होना तो तय ही हो जाएगा, लेकिन विधानसभा भी चुनाव हो जाएगा कुछ होने वाला है नहीं है। इसलिए कि पहले कोचिंगों के ताला बंद करने पड़े, वो चाहे यहाँ सलोर से लेकर राज रूपपुर से जितनी कोचिंग है उनके ताला बंद करे, ताकि जो दो तीन लाख लड़के संख्या में रहते हैं उनके यहाँ कोचिंग है, उनकी कोचिंग ताला बंद हो, जब उनके लड़के कहीं नहीं जा पाएंगे पढ़ेंगे तो रोड पे निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे भीड़ इकट्ठा होगा, तभी कुछ होने वाला नहीं, होने वाला कुछ नहीं। लोग आ जा रहे, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, कतई नहीं होने वाला है। आरओ कैसे थोड़ी ना कैंसिल किया जाकर सरकार ने, पहली बात वो लोकसभा मुद्दा था, चुनाव था, इसलिए उन्होंने, दूसरी बात उनकी संख्या ज्यादा थी, उनकी संख्या देख लीजिए, सिविल लाइन से लेकर पूरा पूरा जाम हुआ था, कैंसिल हुआ, अरे स्थगित किया ना कैंसिल तो नहीं, गलत बात है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री और आयोग और संस्थाओं के बीच में तालमेल न हो और झूठ बोला जा रहा हो, आयोग जो आयोग परीक्षा कराता है वही कैंसिल करता है। और आज तक आपके बीच कह रहा हूँ, UPSC की साइड देख लीजिए, आज तक लेटर नहीं जारी किया गया और गुमराह किया जा रहा है कि वो नई डेट जो आएगी साथ में बिना कैंसिल के नई डेट आ जाएगी, मतलब हद हो गई संवैधानिक संस्थाओं की रेल मारने में, उनके अस्तित्व को समाप्त करने में ये सरकार सबसे आगे। आरओ का पेपर पूरे देश में पता चल गया कि रद्द हो गया, वास्तव में रद्द नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, वास्तव में रद्द नहीं हुआ है। आरओ जो एजेंसी है रद्द करने की, लोक सेवा आयोग, उसकी तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी हुई है, कल तक मैं कह रहा हूँ, आज पता नहीं संडे को जारी हो गई हो, अभी तक नहीं जारी हुई है। ये लोग ट्वीट पे करते हैं, ट्वीट पे घोषणा होती है, पीएम मोदी ने 1.5 साल पहले ट्वीट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं समझी, कि 10 लाख रिक्त पदों को केंद्र सरकार में इस साल में भरा जाएगा, लेकिन आज तक उसके बाद कोई नया विज्ञापन आकर के भरा नहीं गया है। बताया जा रहा है 3 लाख, जो 18-19 की भर्ती थी NTPC को, उसको गिनाया जा रहा है। तो आंकड़ेबाजी करने में ये सरकार सबसे आगे है, अब आंकड़ेबाजी को दिखा देंगे हम लोग पूरे प्रदेश में कि इस सरकार का जो असलियत है, हम लोग आंदोलन को पीछे हटने वाले नहीं है। अभी जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा, अभी हम लोग निर्णय लेंगे, आज यहाँ से ये हटने के बाद क्या कोई बड़ी बैठक करके, क्योंकि अगर आचार संहिता, क्योंकि अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है, हो सकता है ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि 2-3 दिन हो सकता है टल जाए चुनाव, 14-15-16 तक जाए, आचार संहिता लगना है तो 2-3 दिन का समय हमारे पास है, अपनी बातों को डेलीगेशनों में भी आंदोलन होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा, तो उस संदर्भ में हमें लेना है। प्रशासन ने कह दिया कि शासन ने